इस डंपिंग यार्ड के बगल में सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके पार्क बनाया, रैन बसेरा बनाया और दीवाल से कूड़ा घर के दीवाल से सटा हुआ वाटर टैंक है जिसमें पानी भरा रहता है और वही पानी गांव को सप्लाई होता है। यहां पर डंपिंग यार्ड में तमाम प्रकार के बूचड़ खाने के अवशेष, छोटे मरे हुए पशु यहां फेंके जाते हैं। दलित समाज के साथ हमेशा शोषण होता हुआ आया है। पूरी पटौदी को पंचायती जगह भी है और भी अन्य सरकारी जगह थी जो नगर पालिका के पास में कूड़ा डालने के लिए, लेकिन उनको और कई जगह छोड़ के न दलित समाज की जो बस्ती है, वो कॉलोनी है, उसके बिल्कुल समीप में डालने का उन्होंने काम किया है। और अभी आप देख सकते हो वहाँ पे मरे हुए पशुओं का सब और बूचड़ खानों का जो कचरा होता है वो सभी वहाँ डाल रखा है। आज के समय में हमारी भारत सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे प्रांत की सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे मोदी और हमारे खट्टर साहब को बदनाम करने के लिए अधिकारीगण जानबूझकर ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे जन आक्रोश हो और 24 में भारत की सरकार मोदी के पक्ष में ना बने। हमें पहले इनने कहा पकड़ के दिखाओ, हमें पकड़ी गई, चार मोटरसाइकिल पकड़ी जिसमें खाल भरी हुई थी, चारों मोटरसाइकिल हमें कमेटी में पहुँचा दी, चारों मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल दूसरे दिन छोड़ दी। और दूसरा यह पुलिस आते हैं कमेटी वाले कहते हैं कूड़ा का हम संविधान कर देंगे, दोबर मशीन लगाई उनने, एक दिन मशीन नहीं चलती है, अब भी मशीन लग रही है, अगर दो दिन से मशीन चली है ओनली और छह महीने हो गए लगी उड़ने, कागजात में कहते हैं मशीन हमारे छह महीने चल रही है। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। हम पटौदी में मौजूद हैं और कुछ साल पहले जिस विषय पर आज ये लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इस विषय को हमने पहले भी उठाया था, जो कूड़े की समस्या। कूड़े की समस्या मात्र पटौदी में ही नहीं पूरे देश में बड़े स्तर पर बनी हुई है और अगर इसका एक अच्छे तरीके से निवारण नहीं किया गया तो अभी हम कूड़े का जो समस्या ना उसका समाधान नहीं कर रहे हैं। जहां समस्या आती है लोग इकट्ठे होते हैं, उस कूड़े को उठाकर कहीं दूसरी जगह कूड़े का ढेर बनाने लग रहे हैं। इसका जो इस्तेमाल है जब ज़मीन पर होने लग जाएगा, खाद बनाया जाएगा, वो इसका समाधान है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए लगातार ये विषय समाज में लोगों के लिए एक समस्या का रूप धारण करता है और हम इसी विषय पर आज दोबारा न्यूज कवर करने के लिए आए हैं। आज का जो समस्या है, विषय है, उसको समझाने के लिए मेरे साथ जेपी मिश्रा जी हैं। सर, क्या कुछ समस्या है ये जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं और आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन में क्या विषय आपने रखा है? समस्या है नहीं, समस्या बनाई गई है। वार्ड नंबर 10 में कभी बहुत छोटा सा एक डंपिंग यार्ड था, धीरे धीरे पटौदी की जनसंख्या बढ़ती गई और नगर पालिका परिषद में बदल गई। इस डंपिंग यार्ड के बगल में सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके पार्क बनाया, रैन बसेरा बनाया और दीवाल से कूड़ा घर के दीवाल से सटा हुआ वाटर टैंक है जिसमें पानी भरा रहता है और वही पानी गांव को सप्लाई होता है। यहां पर डंपिंग यार्ड में तमाम प्रकार के बूचड़ खाने के अवशेष, छोटे मरे हुए पशु यहां फेंके जाते हैं, जिनकी हड्डियों को लेकर के, जिनके मांस को लेकर के पशु पक्षी उस पानी में जाते हैं और उसको गंदा करते हैं। इस प्रकार से पानी पीछे से भी बहुत गंदा आ रहा है और जो आ रहा है उसका कूड़े घर के कारण और भी ज़्यादा वो विषाक्त हो रहा है। निकट में दो मंदिर हैं, दुर्गा मंदिर है, रविदास मंदिर है, दलित बस्ती है। दलित बस्ती के बिल्कुल निकट में, यूँ कहें कि उनके आंगन में, लोगों के घर के सामने ये कूड़ा घर है। समझ में नहीं आता कि सरकार सड़क का कूड़ा उठा करके लोगों के दरवाजे पर डाल रही है, जिसके कारण ये पूरा पानी विषाक्त हो रहा है, जिसके कारण करोड़ों रुपए लगा करके जो ये रैन बसेरा बना है, जो नगर पालिका पटौदी ने पार्क बनवाया है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि बरसात के कारण यहाँ पर भयंकर बदबू उठती है और गर्मी के दिनों में यहाँ पर आग लगती है जिसके कारण पूरे वातावरण में धुआं फैल जाता है। हमने सरकार से बार बार आग्रह किया, लोगों से कहा कि समस्या का समाधान किया जाए। वे बार बार कहते थे कि हमारे पास कोई और जगह नहीं है, लेकिन अब एक जगह निकट बाईपास के बगल में
लगभग दो एकड़ ढाई एकड़ जिसकी बाउंड्री वॉल भी हो चुके हैं, कूड़े घर के लिए जगह है। और सरकार अपनी धर्मांधता पर, अपने कट्टरता पर रुकी हुई है और जानबूझ करके यहाँ बीमारी का दावत दे रही है। और हमारा अनुरोध है सरकार हमारी बात सुने। एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय में हमारी भारत सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे प्रांत की सरकार को बदनाम करने के लिए, हमारे मोदी और हमारे खट्टर साहब को बदनाम करने के लिए अधिकारीगण जानबूझकर ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे जन आक्रोश हो और 24 में भारत की सरकार मोदी के पक्ष में ना बने। तमाम राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, जो दलित हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, उनके राशन कार्ड काट दिए गए और किसी भी समर्थ आदमी का कोई राशन कार्ड नहीं कटा। अगर कोई आदमी मेरे से पूछे तो मैं उसको सैकड़ों उदाहरण पटौदी से दे सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि अधिकारियों का जानबूझ करके साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को खराब करने के लिए। मेरा अभी यही निवेदन है, यही बिना है, यही प्रार्थना है कि सरकार अपने अधिकारियों के इस मनसूबे को समझे और बदनाम होने से बचे। तो जेपी मिश्रा जी ने समस्या के साथ साथ एक समाधान भी बताया है, अल्टरनेट जगह भी बताई है कि इस कूड़े को कहां पर डाला जाना चाहिए और उसके बाद उसका खाद भी बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही खाद बनाने की शुरुआत होती है ये कूड़ा ख़त्म होने को आ जाता है, लेकिन फिर वही समस्या कुछ दिन के बाद दोबारा से वो समस्या हो जाती है। साथ में क्षेत्र में पानी की जो समस्या है वो लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं, लोग बीमार होने लग रहे हैं। उसका एक कारण जो आगे से गंदा पानी आ रहा है, उसके साथ साथ जो यहाँ पर अधिकारियों से, उनकी मूर्खता से और उनके जानबूझकर जो गंदा पानी किया जा रहा है। दूसरा, मिश्रा जी ने विषय बताया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए ये अधिकारियों की साजिश भी है। मेरे साथ जो पटौदी के दलित नेताओं के जो जाने माने चेहरे हैं, एक बार मोहित जी से भी और बात करते हैं। मोहित जी, इस विषय पर आपकी क्या राय है? इस विषय पे राय, दलित समाज के साथ हमेशा शोषण होता हुआ आया है। पूरी पटौदी को पंचायती जगह भी है और भी अन्य सरकारी जगह थी जो नगर पालिका के पास में कूड़ा डालने के लिए, लेकिन उनको और कहीं जगह छोड़ के न, दलित समाज की जो बस्ती है, वो कॉलोनी है, उसके बिल्कुल समीप में डालने का उन्होंने कार्य काम किया है। और अभी आप देख सकते हो वहाँ पे मरे हुए पशुओं का सब और भुचड़ खानों का जो कचरा होता है वो सभी वहाँ डाल रखा है। जो पटौदी वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई के बिल्कुल पास में है, वो सब पानी पूरी पटौदी के अंदर सप्लाई होता है। जो दूषित पानी हो गया वो पूरी पटौदी के अंदर सप्लाई होता है। उससे पहले भी हम पहली बार इकट्ठे नहीं हुए, उससे पहले भी हम कई बार इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर और गाड़ियों को रोका है यहाँ पे, लेकिन अधिकारी जो है, प्रशासन जो है, वे हमेशा आश्वासन दे के हमें चली जाती है। उन्होंने एक बार भी उसका कूड़ेदान का समाधान नहीं किया। और यहाँ तक कि उसके अलावा भी जगह, जो बाईपास है हमारे, अभी जो बाईपास बना है उसके पास में 2 एकड़ की जगह है जहाँ पर नगर परिषद जो कूड़ा डाल सकती है, लेकिन वहाँ वे डालने का काम नहीं कर रहे। उनको यही जगह दिख रही है और इसी पे एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया गया है। मोहित जी, मैं आपसे एक विषय पर बात करना चाहूँगा। जैसे कि मिश्रा जी ने बताया, क्या लोगों को भी इन विषयों पर जागरूक होने की जरूरत नहीं है? सरकार कहती है कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, लेकिन यहाँ पर जो मरे हुए मवेशियों को भी डाला जा रहा है, तो क्या समाज को भी कोई आप संदेश देना चाहेंगे? कहीं नहीं कहीं ये जो प्रशासन की, ये प्रशासन की कमी है, क्योंकि अगर गाड़ी के अंदर ये मरे हुए सबको डालने का डलवा रहे हैं उसके अंदर और उसको कूड़े को भी एक जगह ही डाल रहे हैं, तो वे प्रशासन की ही कमी है। जनता को या तो कोई समाज समझाने वाला होना चाहिए, या तो प्रशासन के जो अधिकारी, जो लोग हैं नगर पालिका, नगर परिषद के लोग, वे उनको समझाए, मोहल्ले में जाके, बस्तियों में जाके उन लोगों को समझाए गीला कूड़ा और सूखे कूड़े के बारे में। लेकिन वे सभी एक जगह ही कूड़ा डलता है और एक जगह इकट्ठा होकर यहीं पर डलता है। तो देखिए, दलित के नाम पे देश में राजनीति तो बहुत ज़्यादा होती है, उनके शुभ चिंतक सभी राजनीतिक पार्टियों में मिल जाते हैं, लेकिन दलित कभी उनको नाम बदलने से या अन्य कारणों से उनका भला नहीं होगा। धरातल पर दलित मुद्दा नहीं है, ये सर्व समाज का मुद्दा है, लेकिन फिर भी अगर आप दलितों का भी कोई उद्धार करना चाहते हैं तो धरातल पर जो उनकी समस्याएँ हैं वो आपको सुननी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। फिलहाल ये समस्या मात्र दलित की नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है,
इस रेडिएशन में सभी लोग रहते हैं और सभी इस बदबू से, इस गंदे पानी से, इस अव्यवस्था से परेशान है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी है, जल का जो भंडार है वो भी है, दो दो मंदिर हैं, जो समाज के लोग रहते हैं वो भी हैं। इस विषय पर और अपनी कोई बात रखना चाहे, सब क्या कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? नाम रमेश सिंह है जी। ऐसा है जी, हमें पहले इनने कहा पकड़ के दिखाओ, हमें पकड़ी गई चार मोटरसाइकिल पकड़ी, जिसमें खाल भरी हुई थी चारों मोटरसाइकिल, हमें कमेटी में पहुँचा दी चारों मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल दूसरे दिन छोड़ दी। और दूसरा यह पुलिस ये आते हैं कमेटी वाले कहते हैं कूड़ा का हम संविधान कर देंगे, दो बार मशीन लगाई उनने, एक दिन मशीन नहीं चलती है, अब भी मशीन लग रही है, अगर दो दिन से मशीन चले ओनली और छः महीने हो गए लगी उड़ने, कागजात में कहते हैं मशीन हमारे छः महीने चल रही है और कुछ नहीं कर दी। ये समस्याएं ऐसे निकल कर आती है, अगर मशीन एक दिन भी चलती है तो वो जो इतनी बड़ी समस्या है उसका समाधान कर देती है, लेकिन कूड़े की जगह बदलने का तो बात दूर है, जो मशीन है जो खाद बनाया जा सकता है। एक्चुअल में आज हमें ये गंदगी दिखाई देती है, ये कूड़ा दिखाई देता है, लेकिन इस कूड़े के अंदर एक सोना भी छुपा हुआ है। अगर सरकार इसको ढंग से इस्तेमाल करे तो जिसे आज ये मुहिम चल रही है कि भाई कूड़े को कहाँ डाले, इसकी चोरी होने लग जाएगी, कि लोग कूड़ा तो ज़्यादा उठाएंगे लेकिन कम का पैसा देंगे, क्योंकि ये सोना भी है, अगर इसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये जो किसान है इसको एक मोटी कीमत में खरीदेंगे। लेकिन सरकार इन विषयों पर अच्छे से ध्यान नहीं देती है, सिर्फ उनको पैसा बनाने से, अधिकारियों को पैसा बनाने से मतलब होता है, एक जगह का कूड़ा दूसरी जगह इकट्ठा कर देना, वहाँ पर जो पहाड़ बने वहाँ के लोग जब अपना आक्रोश दिखाएं तो उसको तीसरी जगह इकट्ठा कर देना, लेकिन उसका जो असली समाधान है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अब ये देखिए, ये पार्क बनाया गया है, बहुत बड़ी जगह है और बहुत सुंदर पार्क ये बन सकता था, लेकिन इस कूड़े की वजह से इसके ये हालात हैं। दूसरा ये रैन बसेरा देखिए, यहाँ पर आदमी आध घंटे के लिए, एक घंटे के लिए खड़ा नहीं हो सकता है बदबू की वजह से। तो रैन बसेरा जो है ये भी और पार्क है ये भी, कुल मिला के इनका कोई औचित्य यहाँ पर बन नहीं रहा है। ये देखिए, ये गुरु रविदास मंदिर है और यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, तो किस तरह से लोगों की भावनाओं का अपमान किया जा रहा है। मात्र मूर्ति तोड़ देना ही अपमान नहीं है, उनकी इस तरह की अव्यवस्था कर देना, आसपास इतनी ज़्यादा गंदगी रहना, वो भी तो इन महापुरुषों का अपमान ही है। ये देखिए, इस कूड़े के ढेर के पास ही ये कब्रिस्तान भी है। ये जो आप देख रहे हैं ये कूड़े का ढेर है और ये जो खाली जगह है, अभी यहाँ से कूड़ा खाद बना दिया गया है, लेकिन पहले यहाँ पर ये बहुत बड़ा कूड़े का ढेर बन गया था। और अक्सर अधिकारी कहने लग जाते हैं कि कूड़ा यहाँ आज से नहीं पहले से डल रहा है, लेकिन हर मिनट में स्थान की परिस्थितियाँ बदलती है, ना अब पहले जैसी पटौदी है, ना पहले जैसी जनसंख्याएँ हैं, लोग बढ़ गए हैं, नगर परिषद बन गया है, गाँव जुड़ गए हैं, कूड़े की संख्या बढ़ गई है। और ये देखिए, जस्ट जो आप दिखाई दे रही है सामने पानी की टंकी, बिल्कुल ये कूड़े के जो ढेर हैं इसके साथ में ही हैं, और इसके नीचे एक बड़ा टैंक और बनाया गया है जो कि खुला हुआ है, लोगों ने बताया कि वो खुला है, पहले उसमें पानी इकट्ठा होता है और उसके बाद इस टंकी में पानी भेजा जाता है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा कूड़े का ढेर है और लोगों का कहना है कि ये जो मशीन लगाई गई है, ये जो कूड़ा है इसको खाद बनाने की मशीन है, लेकिन ये लगाई गई है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो देखिए किस तरह से, अगर अधिकारी थोड़ा सा इस समस्या पर संज्ञान लें तो कुछ समस्याओं का समाधान तो वो तत्काल कर सकते हैं, और बड़े स्तर पर इस कूड़े घर को, जो कि ग्रामीणों ने जगह बताई है, उसका स्थान शिफ्ट करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। देखिए, हम कूड़े घर के दूसरे गेट पर आ गए हैं और इस गेट पर देखिए, जो कि ग्रामीण बता रहे थे, ये जो कट्टे आपको दिखाई दे रहे हैं बंधे हुए, और दूसरी साइड में ये देखिए, ये जो कट्टे दिखाई दे रहे हैं इनमें मरे हुए जीवों की खाल और मरे हुए जीव, ऐसे ग्राम यहाँ के जो निवासी हैं वो बता रहे हैं। और ये आज से नहीं, ये हमेशा से यहाँ पर डाला जाता है,
और जब बरसात होती है तो आप सोचिए यहाँ की गंदगी इस रोड पर किस तरह से आती होगी, और यहाँ के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, पानी है, मंदिर है, उन सब की क्या हालत यहाँ पर होती होगी। दूसरा मंदिर देखिए, ये शिव मंदिर है। यहाँ पर भी लोग शाम को पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, उनकी आस्था के बारे में सोचिए। इस मंदिर के सामने ही ये श्रीमती सावित्री देवी वैश्य हाई स्कूल है, और जस्ट इसके बरोबर में ही लड़कों का सरकारी स्कूल भी है, और ये एक दूसरा मंदिर भी है, संतोषी माता का मंदिर है। तो आप देखिए किस तरह से लोगों की जो भावनाएं हैं, अधिकारियों की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये सभी लोग यहाँ पर परेशान हैं।